हेलो माय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त इजहार हसन एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना अफसर का जो पासवर्ड है, जो भूल चुके हैं, वो आसानी से फिर से आप अपना जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप फिर से उसे बना सकते हैं। तो जो भी अभी मेरे इस चैनल पर नए हैं, जो नए देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं बिना आपका कीमती वक्त वेस्ट किए हुए स्क्रीन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आप अपना मोबाइल ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सीधा आपको डेस्क ब्राउज़र पे क्लिक करें। क्रोम ब्राउज़र क्लिक करने के बाद अफसर लॉगिन को क्लिक करें। अफसर लॉगिन को क्लिक करने के बाद सिंपली होम का ऑप्शन आएगा, होम के ऑप्शन पे चले जाएं। होम के ऑप्शन को क्लिक करें, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप टॉप में देख सकते हैं अफसर का लोगो बना हुआ, उसको क्लिक करें। उसके बाद आपसे आपका अफसर का आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जो आपका अफसर का आईडी या पासवर्ड है, तो पासवर्ड तो भूल चुके हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप सीधा क्लिक कर दें। फॉरगेट पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपको ये कुछ तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको सबसे फर्स्ट में आईडी नंबर मतलब आपका एकामा नंबर जो है, वो एकामा नंबर फिल कर लें। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सेकेंड में, वो फिल कर दें जो अफसर से रजिस्टर्ड है। उसके बाद नीचे देखें कैप्शन है, कैप्शन अगर ना समझ में आए तो साइड में आपको रिफ्रेश का ऑप्शन है, उसे रिफ्रेश करके फिर से आप देख सकते हैं। फिर थर्ड में आपको उस कैप्शन को डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें आपका ऑप्शन आएगा पासपोर्ट नंबर का। ठीक है, तो पासपोर्ट नंबर पर आप क्लिक कर लें, जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट नंबर यहाँ डालें सही से, अच्छे से देख करके। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इसे ऊपर करें। ऊपर करने के बाद एक आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपके अफसर मोबाइल से लिंक है, देख सकते हैं कि आ गया है। वो अफसर का जो पासवर्ड आया है, वो पासवर्ड को यहाँ डाल दें। तो डालते हैं, डालने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ गया है फिर से। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें, लेकिन डेमो के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी नंबर डालें, लेकिन सिंबल कोई भी नहीं डालें, और फर्स्ट लेटर बड़ा डालें, बाकी छोटा लेटर डालें, उसके बाद फिर नंबर 2-3 डिजिट डाल दें, तो आसानी से आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो ऊपर आप बनाए हैं नंबर पासवर्ड बनाए हैं, उसी पासवर्ड को ठीक नीचे में कंफर्म पासवर्ड पे फिर से टाइप कर दें। टाइप करने के बाद देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप अपना लॉग आउट करके फिर से आप अपना लॉगिन करें, उस पर आप अपना जो नया पासवर्ड बनाए वो डालें, जो आपका आईडी है वो डालें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा समय अच्छा लगा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका हो जाए इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप तक अच्छा वीडियो बना के भेजने का। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी जवाब हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए